नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कहीं पर जा रहे थे। रास्ते में कुछ उन्हें खेत दिखाई दिए और अर्जुन ने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है। दूर से उसे किसान की पत्नी खाना लेकर आती हुई दिखाई दी। जैसे ही किसान की पत्नी खेत की मेंड पर पहुंची तो उसने अपने पति को आवाज लगाई कि आप आइए, हल छोड़कर खाना खा लीजिए, बाद में हल जोड़ लेना, धूप बहुत हो गई है। किसान ने अपना हल छोड़ दिया और बैलों को छाया में बांध दिया और अपने सांटे को, जो कि बैलों को हांकने का एक चमड़े का चाबुक होता है, उसे एक पेड़ पर रख दिया, टांग दिया और वह अपनी पत्नी के पास छाया में जाकर खाना खाने बैठ गया। जब वह खाना खा रहा था तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु देखो इस किसान को, न तो इसने हाथ धोए हैं, न ही इसने पांव धोए हैं, और इस चमड़े के सांटे के हाथ से और मिट्टी के हाथों से ही खाना खाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये अन्नदाता है, ये पूरी दुनिया का पेट भरता है और इसे इतनी सफाई की फुर्सत ही कहाँ है। यह तो पूरी मेहनत से अपना सुख छोड़कर फसल पैदा करने में लगा रहता है, तभी जाकर हम जीवों के पेट भरते हैं और अग्नि शांत होती है। यह किसान बहुत परोपकारी होता है। कुदरती 6 महीने के बाद फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोबारा उसी रास्ते से गुजरने लगे। फिर अर्जुन ने देखा कि खेत फसल से लहलहा रहे हैं। अर्जुन ने एक चने के टाट को तोड़ा और उसमें से 3 दाने निकले। उन 3 दानों को अर्जुन ने खा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वे 3 दाने खाते हुए देख लिया। अर्जुन से बोले, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ये खेत उसी किसान का है जिसको तुमने पीछे कहा था कि ना तो इसने हाथ धोए हैं और न ही पैर धोए हैं, और ऐसे ही ये किसान खाना खा रहा है। अब तुम्हारे इन 3 चने के दानों का किसान का तुम पर कर्ज चढ़ गया है। अब इसे आपको उतारना ही पड़ेगा। अगर आप इसे अभी इसी जन्म में उतारोगे तो आसान रहेगा, अगर दूसरे जन्म में उतारोगे तो ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कर्मों के साथ तुम्हें देना पड़ेगा। अर्जुन बोले, प्रभु मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं अभी इसी जन्म में ये कर्ज उतारूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन आपको किसान के घर 3 साल तक नौकर बनकर रहना होगा और उनके हमेशा भले का काम ही करना होगा और सारा घर का काम भी करना पड़ेगा। इसके लिए किसान व उसका परिवार तुमको बुरा या भला ही क्यों ना कहे, सब कुछ सहना पड़ेगा। अर्जुन बोले, ठीक है प्रभु। अर्जुन नौकर का रूप बनाकर किसान के घर चला गया और बोला कि अन्नदाता आप मुझे कोई काम दे दे, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे खाने को भी लाले पड़े रहते हैं, मैं भूख से भी बेहाल हूँ। किसान ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ,
मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता, मगर मैं आपको खाने पर अपने घर में जरूर रख सकता हूँ। अगर आप रह सकते हैं तो रह लीजिए। अर्जुन बोला, हाँ अन्नदाता, मैं ऐसे ही रहूंगा। भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने कहा, मेरा नाम माधव है। किसान बोला, अच्छा माधव, तुम मेरे खेतों में भी काम करना और मेरी भैंसों का भी पानी पिलाना, चारा डालना, यानी तुम पाली बनना, मेरी भैंसों को गायों को चरा कर लाना। माधव बोला, हाँ अन्नदाता, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। एक बार की बात है, किसान की पत्नी अपने पति से किसान से कहती है, आप मेरे साथ गंगा जी स्नान करने चलो। किसान ने कहा, मुझे अभी वक्त नहीं है, क्योंकि फसलों की कटाई आने वाली है, मुझे बहुत काम है। हाँ अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम माधव को लेकर जा सकती हो। माधव किसान की पत्नी को लेकर गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही किसान की पत्नी ने नहाना सोचा, उसी समय माधव ने किसान की पत्नी को एक कुंड में धक्का दे दिया। किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह हाथ में गठरी लिए हुई थी और उसके कपड़े भी जैसे ही कुंड में गिरी गारा में मिट्टी में उसके सारे कपड़े खराब हो गए और सारी गठड़ी में गारा भर गई, मिट्टी भर गई। माधव ने उसे गंगा स्नान नहीं करने दिया। किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में माधव को बहुत बुरा भला कहने लगी और गुस्से में पैर पटकती हुई वापस माधव के साथ अपने घर आ गई। घर आकर वह अपने पति किसान से कहने लगी कि माधव ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उसने मुझे गंगा जी स्नान नहीं करने दिया, उसने मुझे एक कुंड में धक्का दे दिया जिससे मेरे सारे कपड़े मिट्टी और गारा में धस गए और मेरी गठरी में भी गारा और मिट्टी भर गई। देखो, जैसे ही वह गठरी को खोल कर दिखाने लगी, क्या देखते हैं कि उसमें हीरे जवाहरात और मोती भरे पड़े हैं। किसान और उसकी पत्नी बहुत हैरान रह गए। माधव हर रोज गायों और भैंसों को जंगल में लेकर जाता, उनको चरा कर लाता और शाम को आकर दूध दोहता और सारे किसान के काम करता और खेतों में भी काम करवाता। उसको एक साल बीत गया, दूसरा साल लगा। जैसे ही दूसरा साल लगा, साल अश्विन माह चला हुआ था और अश्विन माह में भी श्राद्धों के दिन चले हुए थे। किसान की पत्नी ने नहा धोकर श्राद्ध करने के लिए खाना बनाने के लिए बैठने ही वाली थी कि माधव घर आया और उसने किसान की पत्नी के लहंगे का नाड़ा खींच कर तोड़ दिया। जैसे ही माधव ने किसान की पत्नी का नाड़ा तोड़ा तो किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। आगे से किसान आया, उसने पूछा, ऐसा क्यों करती हो? किसान की पत्नी ने कहा, आज तुम्हारे माधव ने बहुत बुरा काम किया है, मेरा नाड़ा ही तोड़ दिया, इसलिए वह दोबारा अपने लहंगे को बदल कर आई और उसने फिर से श्राद्ध करना चालू किया। ऐसे ही बीतते बीतते माधव को 2 साल हो गए। अब तीसरा साल नौकर बनकर रहना बाकी था। धीरे धीरे तीसरा साल भी बीत गया और एक दिन बाकी था। माधव ने क्या किया कि किसान की गाय को घर से ले जाकर दूर जंगल में बीड़ में बांध कर चला आया। जब घर आया तो किसान और किसान का परिवार गाय को ढूंढ रहे थे। उन्हें बहुत ढूंढने पर भी गाय नहीं मिली। उन्हें नहीं पता था कि माधव ही गाय को बाहर बांध कर आया है। देखा तो माधव से पूछा, क्या तुमने गाय को देखा है?
माधव बोला, नहीं मैंने तो नहीं देखा। सांड अपनी गाय को खोने के दुख में बहुत दुखी था। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, माधव जंगल में गया, उस भीड़ से गाय को निकाला और खोलकर घर ले आया। गाय को माधव के हाथ में रस्सी देखकर किसान ने पूछा, तुम इसे कहाँ से लाए हो, तुम्हें यह कहाँ मिली? माधव बोला, इसे मैं जंगल से लाया हूँ, वहाँ भीड़ में मैंने इसको बांध दिया था। ये बात कहते ही किसान और किसान का परिवार उस पर गुस्से के मारे टूट पड़ा और बहुत बुरा भला कहने लगा। फिर माधव बोला, सुनो मेरी बात, आज मुझे तेरे घर में नौकर लगे हुए 3 साल बीत गए हैं और आज मेरा सारा कर्ज भी उतर गया है। किसान बोला, कर्ज कौन सा कर्ज, हमसे तो तुमने कोई कर्ज नहीं लिया। फिर माधव बोला, मैं कोई माधव नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ एक बार जा रहा था, मैंने तुम्हें ऐसे ही मिट्टी के हाथों खाना खाते देखा और भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान ने तुम्हारी बहुत बड़ाई की, लेकिन 6 महीने बाद फिर से आना हुआ और फिर तुम्हारे ही खेत के पास से जैसे जा रहा था, मैंने तुम्हारे खेत की चने की एक टाट तोड़कर खा ली, जिसमें 3 दाने थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कहा, अभी इसी जन्म में अपना कर्ज उतारोगे या फिर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उतारोगे? मैंने पूछा, भगवान कैसे? भगवान श्री कृष्ण बोले, अगर इसी जन्म में तुम इनका कर्ज नौकर बनकर उतार सकते हो तो उतार लो, नहीं तो अगले जन्मों में तुम्हें ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के समान यानी पाप कर्म तुम्हारे बढ़ जाएंगे और फिर तुम्हें ज्यादा भुगतने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। अब मर्जी तुम्हारी है। तो मैंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं इसी जन्म में अपने कर्मों की सजा भुगतना चाहता हूँ और मैंने आपके घर नौकर बनकर माधव का रूप धरा और आपके पास आया। माधव की पत्नी बोली, अगर तुम अर्जुन हो तो फिर तुमने गंगा जी स्नान करने गए हुए तुमने मुझे उस कुंड में धक्का क्यों दिया? अर्जुन बोला, उस दिन गंगा जी में पापी और कोढ़ी बहुत आए हुए थे और पापियों और कोढ़ियों से छुपकर गंगा मैया उस कुंड में बैठी हुई थी। फिर मैंने आपको उस कुंड में धक्का दिया ताकि आपका असली गंगा स्नान हो सके। ब्राह्मण की पत्नी बोली, अगर तुम सच में ही अर्जुन हो तो फिर तुमने मेरे लहंगे का नाड़ा क्यों तोड़ा? अर्जुन बोला, उस दिन श्राद्ध था और श्राद्ध या कोई पूजा पाठ हो तो लाल वस्त्र धारण करना चाहिए या फिर पीला करना चाहिए, परंतु आपने उस दिन नीले रंग का लहंगा डाला हुआ था जिससे आपके पितर बहुत किलबिला रहे थे, उनको भोजन नहीं मिल रहा था और वे किलबिलाते हुए मुझसे देखे नहीं गए, इसलिए मैंने आपके लहंगे का नाड़ा तोड़ दिया जिससे कि आप दूसरा बदल सको। अगर मैं आपसे बदलने की कहता तो आप शायद नहीं बदलती। किसान की पत्नी ने फिर से कहा, तो फिर तुमने हमारी गाय को जंगल में क्यों बांधा? हम ढूंढते फिर रहे थे और तुमने देखने से मना कर दिया कि मुझे मालूम नहीं है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? अर्जुन बोला, तुम्हारी गाय के सींगों में स्वयं यमराज यानी काल बैठा हुआ था। उस दिन अगर मैं गाय को उस जगह पर जंगल में दूर नहीं बांधता तो किसान उसको जरूर खोलता या बांधता। अगर किसान उसके पास जाता तो गाय अपने गायों के सींगों में बैठा हुआ काल उसको मार डालता, किसान की मौत हो जाती। मैंने आपके घर के भले ही किए हैं, कभी आपके घर का बुरा नहीं किया, क्योंकि मुझे आपका भला करके अपना कर्ज जो उतारना था। किसान और किसान की पत्नी और परिवार को बहुत पछतावा हुआ।
अर्जुन को ऐसा बार बार बुरा भला कहने पर उन्होंने अपने किए हुए की अर्जुन पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमें पता नहीं था, हमें तो ऐसा लगा कि आप हमारे बुराई ही कर रहे हैं, बुरे में ही है, इसलिए आपको बहुत कोसा भी और बुरा भला भी कहा। इसलिए हम और हमारे सारे परिवार को माफ कर दीजिए। अर्जुन ने ऐसा कहकर कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अपने कर्म काटने आया था, इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरा समय हो गया है। यह कहकर अर्जुन वापिस अपने भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपके कमेंटों से हमें हौसला मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी